फिरोजाबाद के शहर के स्टेशन रोड स्थित एक होटल में भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी शोभा यात्रा को लेकर प्रेस वार्ता की गई। इस दौरान बताया है, इस वर्ष भव्यता के साथ भगवान श्री कृष्ण की भव्य शोभा यात्रा गाजे बाजे के साथ 7 अगस्त को निकाली जाएगी। भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के बैनर तले मंगलवार की दोपहर करीब 2 बजे प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान समिति के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रेस वार्ता के दौरान बताया है, गुरुवार यानी 7 अगस्त की रात करीब 8 बजे राधा किशन मंदिर से भव्य भगवान श्री कृष्ण की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें करीब 2 दर्जन झांकियां शामिल होंगी और कई झांकी मुख्य आकर्षक का केंद्र होंगी। प्रेस वार्ता के दौरान समिति के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। ये प्रेस वार्ता भगवान कृष्ण की शोभा यात्रा 7 सितम्बर को राधा कृष्ण मंदिर से निकाली जाएगी। यह शोभा यात्रा दशकों से निकाली जा रही है। इसके संस्थापक रामवीर सिंह यादव ने 1993 में इसकी शुरुआत की थी। तब से अब तक हर वर्ष हर साल कुछ न कुछ नया होता जा रहा है। इस बार भी भव्य शोभा यात्रा निकालने का सभी पदाधिकारी सभी लोगों के सहयोग से निकाली जाएगी और यह यात्रा शोभा यात्रा 8 बजे से राधा कृष्ण मंदिर से शुरू होगी, 12 बजे गोपाल आश्रम पर सभी लोगों के सहयोग से समापन रहेगा। इसमें मुख्य अतिथि पूर्व विधायक सरसागंज हरिओम यादव जी, अपने सदर विधायक मनीष असीजा जी और कामनी राठौर और अपने शहर की मेयर कामनी राठौर भी रहेंगी। इसमें सर्व समाज के लोग हमारे मुख्य अतिथि हैं। भारतीय जनता पार्टी के सिमोहन स्रोती जो पूर्व प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं, अभिषेक चंचल मित्तल भी हैं हमारे मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि के रूप में। इसमें सभी समाज का हमें सहयोग मिला है और सभी से मेरा निवेदन है सभी शहरवासियों से कि 7 तारीख को राधा कृष्ण मंदिर पर 8 बजे आकर के शोभा यात्रा में भाग लें, ऐसा मेरा सभी से निवेदन है। सभी पत्रकार बंधुओं का कहता हूँ कि आप लोग यहाँ आए, आपके चैनल से ये शोभा यात्रा का प्रचार प्रसार हो, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है।